यहाँ से अच्छा। लाई के मधो सना है कि जिसकी तारीफ और तौसीफ बयान की जाए तो वही कि जिसके चेहरे को अल्लाह ने कुरान करीम में बयान किया तो कहा वज़ुहा, जिसकी जुल्फों को अल्लाह ने बयान किया तो कहा वल्लैलि इज़ा सजा, जिसके सीने को अल्लाह ने बयान किया तो कहा अलम नशरह लका सदरक, जिसकी आँखों का तस्किरा किया तो कहा अलम नजअल लहु ऐनैन, जिसकी जबान और होठों का तस्किरा किया तो कहा वलिसानं वशफतैन, जिसकी सिद्क और सच्चाई को बयान किया तो कहा वमा यंतिकु अनिल हवा, वो ज़ात है कि जिसका किरदार चांद से ज़्यादा हसीन है, आईने से ज़्यादा शफाफ है, जो यतीमों के वाली बेसहारों के सहारा, सरवरे कोनो मकाम जुब्दाए ज़मीनो जमां, ताजदारे मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है, जिसके बारे में किसी शायर ने कहा अंधेरी रात है शम्सु जुहा की बात करें, सितारों आओ बदरुद्दुजा की बात करें, बज़्मे नूर है बज़्मे हुजूर है ये लोगो, ज़रा अदब से बैठो रसूल खुदा की बात करें। और तहसीन अफजल मकसूदपुरी ने कहा कि कितना बुलंद मनसबो रुतबा हुजूर का, कुरान पढ़ रहा है कसीदा हुजूर का, और पढ़कर नबी की सीरत अतहर का फलसफा, दिल पर बना रहा हूँ मैं नक्शा हुजूर का। तो आइए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नजराना अकीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए आवाज़ दे रहे हैं उस शख्स को कि जिसका शोहरा मुल्क के कोने कोने में पहुंच चुका है, जो हर इजलास छोटे बड़े इजलास की जीनत बना करते हैं, और वो हमारे दरमियान सरजमीन कन्नौज से तशरीफ़ लाए हैं जहाँ का इत्र बड़ा मशहूर है। लेकिन मेरे भाइयों, आज वो इत्र जो कन्नौज में बिका करता है वो नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ का इत्र हमें देंगे और हमारे कानों के अंदर और हमारे दिलों के अंदर वो नूरानियत और इत्र बेजी करेंगे कि जिससे हम काफ़ी दिन तक मसरूर हो जाएंगे, जिनसे मेरी मुराद है बेहतरीन आवाज़ के मालिक शायर खुशिलहान रफ़ीक़े मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक जमील साहिब कन्नौजी। नहायत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ ले आएँ और हदिया दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में पेश फरमा दे तहसीन अफजल मकसूदपुरी के इस शेर से के रसूल पाक से बरतर तो पैगंबर नहीं आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा कोई रहबर नहीं आया, भटक जाएगा माशर में सुनो तुम गौर से अफजल, जो दुनिया से रसूलुल्लाह का होकर नहीं आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सलाम किया किसी ने जवाब नहीं दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अभी तो थोड़ी देर हुई बिरयानी खाए हुए और आप अभी से सो गए। वाजिबुल एहतराम हजरत कादर उलमाए किराम मुअज्जज़ सामे निज़ाम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पर हम और आप यहाँ जमा हुए, यकीनन ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। खुदा करे हम सबका यहाँ जमा होना मुबारक हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराय का हुक्म मिला, हमारे नाज़िम साहब ने आपसे फरमाया कि बहुत खूबसूरत आवाज़, आप यकीन करिए मेरी आज आवाज़ खूबसूरत नहीं है, क्योंकि मैं डेढ़ महीने से मुसलसल गले की बीमारी का शिकार हूँ।
आप दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे कुछ हौसला दे दे, हिम्मत दे दे, ताकि मैं आपके सामने कुछ पढ़ सकूं। एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मतला दो शेर से शेरी सफर का आगाज। मतला हाजिर करता हूँ, तवज्जो रखो। इरशाद पढ़िए। के गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, गुनाहों के समंदर में। आपकी तवज्जो मेरी आवाज की तरफ बिल्कुल ना हो, क्योंकि आवाज खराब, लेकिन शेर पर तवज्जो पूरी होना चाहिए। शेर अगर आपके दिल तक पहुंचे तो आप सुभान अल्लाह बोलेंगे। एक मरतबा पहले मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, पीछे तक के भाई आपकी आवाज भी स्टेज तक आनी चाहिए। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। इतने सारे लोग बैठे, मेरी आवाज पूरे गांव में पहुंच रही है, आपकी आवाज स्टेज तक भी है। जरा झूम कर कह दे सुभान अल्लाह। के गुनाहों के समंदर में, गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, गुनाहों के समंदर में। तवज्जो। गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता। शुक्रिया। कुछ जुबानें तो खुली सुभान अल्लाह के लिए। अगले शेर पर इंशाल्लाह हर कोई बोलेगा। तवज्जो। वतन क्या चीज है सारा, तवज्जो। वतन क्या चीज है सारा, जमाना भूल जाता है, वतन क्या चीज है सारा, जमाना भूल जाता है, वतन क्या चीज है सारा। तवज्जो रखना। वतन क्या चीज है सारा, जमाना भूल जाता है, वतन मदीने जो भी जाता है, मदीने जो भी जाता है वो आना भूल जाता है, मदीने जो भी जाता है वो आना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है। एक शेर मनकबत का पढ़ता हूँ, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि इंशाल्लाह पीछे तक के भाई सुभान अल्लाह की आवाज यहाँ तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। तवज्जो। जो नाते पाक सुनता है, तवज्जो। ये शाने रहे बरी देखो, किसके गुलाम हैं हम,
ये शाने रहे परी देखो उम्र का दौर आते ही ये शाने रहे परी देखो उम्र का दौर आते ही ये शाने रहे परी देखो हर कोई बोलेगा इंशाल्लाह ये शाने दौर आते ही निशाने रहे परी देखो उम्र का दौर आते ही जमाना दूध में पानी जमाना दूध में पानी मिलाना भूल जाता है जमाना दूध में पानी मिलाना भूल जाता है जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है जो नाते पाक सुनता है शेर और सुन ले फिर एक छोटा सा कलाम पेश करके मैं जगह लूंगा तवज्जो सब हम वतन गोश पड़ी वही तो अपनी जन्नत का तवज्जो आप इस शेर को इरशाद अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना काम आएगा वही तो अपनी जन्नत का ठिकाना भूल जाता है वही तो अपनी जन्नत का ठिकाना भूल जाता है वही तो अपनी जन्नत का तवज्जो वही तो भूल जाता है जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है जो नाते पाक सुनता है शुक्रिया आपकी खूबसूरत समातों का मैंने जितना अच्छा पढ़ा नहीं उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपने सुना अल्लाह आपको खुश रखे।